घर से मेरे जो पड़ोसी के निवाला जाए, घर से मेरे जो पड़ोसी के निवाला जाए, घर से मेरे जो पड़ोसी के निवाला जाए, कब्र में साथ मेरे लेके उजाला जाए। भाई बहुत अच्छे। कब्र में साथ मेरे लेके उजाला जाए, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो जहां के हैं मुहाफिज यही नन्हे बच्चे। इस्लाही शेर पढ़ता हूँ, आप हजरात सफ़त कर लें। दो जहां के हैं मुहाफिज यही नन्हे बच्चे, दो जहां के हैं मुहाफिज यही नन्हे बच्चे, दो जहां के हैं मुहाफिज यही नन्हे बच्चे, इनको ईमान के साए तले पाला जाए। इनको ईमान के साए तले पाला जाए। और आखिरी शेर, इनको ईमान के साए तले पाला जाए, या खुदा नाम मोहम्मद हो मेरे होठों पर, या खुदा नाम मोहम्मद हो मेरे होठों पर, या खुदा नाम मोहम्मद हो मेरे होठों पर, जिस्म से रूह को जिस वक्त निकाला जाए, जिस्म से रूह को जिस वक्त निकाला जाए। आइए अब इसके बाद एक हमदिया कलाम मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास समाप्त कर ले। फरमाइश आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जिंदा दिली के साथ सुन लें। और एक गुजारिश ये मासूम मासूम बच्चों से, अभी मासूम बच्चों के लिए वसीक भाई ने शेर पढ़ा, मैं गुजारिश करूंगा बच्चों से कि बच्चे कुर्सियां छोड़ करके नीचे आ जाए। ये नीचे बैठने में जो मजा है वो कुर्सियों पर बैठने में मजा नहीं है। हाँ, जो चेयरमैन हजरात हैं उनको बैठने दीजिए कुर्सियों पे, बाकी जो अब आ जा बेटा, ये बेटा नीचे बैठ जाओ, आ जा आ जा नीचे आ जा, बड़े बड़े लोग पीछे खड़े हुए हैं, आ जा बेटा, हाँ नीचे बैठ जाओ, बहुत अच्छे बेटा बेटा। भाई जमीन पे तो जमींदारी बैठ पे है ना, हक है। जी जी माशाल्लाह, ये अतराफ के लोग, हाजरीन दो बच्चे हैं इसके बाद जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत लगेगा लेकिन जब ये बैठने की सेटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बाहर से आए मेहमान हजरात हैं उनको बैठने का बैठने की जगह मिलनी चाहिए। जी जी हाजिर करता हूँ बतौर समाप्त कर ले। खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ।
खुदाया मैं तुझे। हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब का नौजी दामद बरकातहुम अलिया स्टेज पर तशरीफ लाए, उसके लिए मैं बहुत जोरों शोर के साथ इस्तकबाल करना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी, शायरे इस्लाम मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी, शायरे इस्लाम मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी, कारी जहीर साहब फैजी, कारी जहीर साहब फैजी, ये हमारे मेहमान खुसूसी आज के इस प्रोग्राम के जो अहम कड़ी हमारी है मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी और इसी तरीके से जनाब कारी जहीर साहब फैजी, हमारी ये जो अहम कड़ी है आप हजरात से मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा कि जब तक इन हजरात के कलिमात और नगमगी आवाज जो दिल को दिलों को खींचने वाली आवाज है, इन सारी चीजों को जब तक सुन ना लिया जाए, जब तक कोई जाने का माहौल नहीं बनाएगा इंशाअल्लाह। एक बार जोर से बोलिए, नारा तकबीर, नारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिनट वसीम भाई, नारे तकबीर, उलमाए किराम, मुफ्ती तारिक जमील साहब, कारी जहीर साहब, असद मेहताब साहब, वसीक रहबर साहब, नबी रहम सागर साहब, नारे तकबीर। बहुत जो दाहिने तरफ खड़े हुए उनसे गुजारिश है, कुर्सियां यहाँ खाली हैं, वहां के बैठ जाए, आ जाए, गुजारिश है आपसे। हाजरीन, मैं पढ़ता हूँ, याता कर, खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, तुझे दिल से तुझे सबसे बड़ा तस्लीम करता हूँ, तुझे दिल से तुझे सबसे बड़ा तस्लीम करता हूँ, खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, तेरा ही नाम आता है, तेरा ही नाम आता है, मेरे होठों पे रह रह गए, तेरा ही नाम आता है, मेरे होठों पे रह रह गए, तेरा ही नाम आता है, मेरे होठों पे रह रह गए, तुझे ही लायक हम तो सना तस्लीम करता हूँ, तुझे ही लायक हम तो सना तस्लीम करता हूँ। बहुत अच्छे वसीयत भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी अजमत के आगे खौफ से ऊंचे पहाड़ों को, तेरी अजमत के आगे खौफ से ऊंचे पहाड़ों को, तेरी अजमत के आगे खौफ से ऊंचे पहाड़ों को, मैं राई की तरह सहमा हुआ तस्लीम करता हूँ, मैं राई की तरह सहमा हुआ तस्लीम करता हूँ। डेस्क पर बैठे मेरे बड़े भाई जनाब असद मेहताब साहब और नबी रहम सागर साहब, मुफ्ती तारिक जमील साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उन सब के हवाले से एक शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। तेरी अजमत के आगे खौफ से ऊंचे पहाड़ों को, मेराई की तरह सहमा हुआ तस्लीम करता हूँ,
इलाहुल आलमे कोई नहीं तेरे सिवा हरगज, इलाहुल आलमे कोई नहीं तेरे सिवा हरगज, इलाहुल आलमे कोई नहीं तेरे सिवा हरगज, तुझे ही माबूदे पर हक बरामजलीम करता हूँ, तुझे ही माबूदे पर हक भला तस्लीम करता हूँ। और एक शेर और है, इसमें बहुत खूबसूरत है, मैं हाजिर करता हूँ, समझ करें अता कर। तुझे से मांगता हूँ मैं मदद हर एक मुश्किल में, तुझी से मांगता हूँ मैं मदद हर एक मुश्किल में, तुझी से मांगता हूँ मैं मदद हर एक मुश्किल में, तुझी को मैं फकत मुश्किल कुशा तस्लीम करता हूँ, तुझी को मैं फकत मुश्किल कुशा तस्लीम करता हूँ। आइए हाजिर एक एक नाते पाक के चंद अशआर हाजिर करता हूँ जी, अता करें। हम पर खुदाए पाक ने हम पर खुदाए पाक एहसान कर दिया, हम पर खुदाए पाक ने एहसान कर दिया, उम्मत में तेरी रख कर उम्मत में तेरी रख के मुसलमान कर दिया, हम पर खुदाए पाक ने एहसान कर दिया, उम्मत में तेरी रख के उम्मत में तेरी रख के मुसलमान कर दिया, हम पर खुदाए पाक ने एहसान कर दिया। बहुत अच्छे, हिकमत खुदा की देखिए, हिकमत खुदा की कुएं में डाल के, हिकमत खुदा की देखिए कुएं में डाल के, यूसुफ को कैसे मिस्र का सुल्तान कर दिया, यूसुफ को कैसे मिस्र का सुल्तान कर दिया, नारे नबी, उलमाए किराम, सरजमीन खुरिया बाजार, वसीक रहबर साहब, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, हम पर खुदाए पाक ने एहसान कर दिया, शेर को फिर से पढ़े पुणे वाला, माशा अल्लाह, हिकमत खुदा की देखिए कुएं में डाल के, हिकमत खुदा की देखिए कुएं में डाल के, यूसुफ को कैसे मिस्र का सुल्तान कर दिया, हम पर खुदाए पाक ने एहसान कर दिया। बहुत अच्छे वसीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमने किया था तेग जन जिसको तराश कर,
हमने किया था तेग जन जिसको तराश कर उसने ही मुझसे जंग का ऐलान कर दिया उसने ही मुझसे जंग का ऐलान कर दिया हम पर खुदाए पाक ने एहसान कर दिया। और आखिरी शेर इस सिलसिले का समाप्त कर लें। क्या ही अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं वसीम भाई। रस्ते से भटक जाए ना उम्मत ये आपकी रस्ते से भटक जाए ना उम्मत ये आपके नाजिल खुदा ने आप पर कुरान कर दिया नाजिल खुदा ने आप पर कुरान कर दिया हम पर खुदाए पाक ने एहसान कर दिया उम्मत में तेरी रख के मुसलमान कर दिया। आइए एक और नाते पाक का शेर हाजिर करता हूँ उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा और दीगर शोरा कराम अभी आपको सुनना बाकी है अता करें। अच्छा अर्श की बुलंदी से दम बदम निदा आए अर्श के बुलंदी से दम बदम निदाए हाशमी घराने में फख्र अंबिया आए हाशमी घराने में फख्र अंबिया अर्श के बुलंदी से दम बदम निदाए और ये तो गैर मुमकिन है मिल सके मिसाल उनके ये तो गैर मुमकिन है मिल सके मिसाल उनके लेके जो कलाम हक मेरे मुस्तफाए लेके जो कलाम हक मेरे मुस्तफाए अर्श के बुलंदी से दम बदम निदाए और जिंदगी सवारो तुम जिंदगी सवारो तुम सामने इसे रख कर जिंदगी सवारो तुम सामने उसे रख कर आप जो शरीयत का लेके आईना अर्श के बुलंदी से दम बदम निदाए बहुत अच्छा मैसेज। और आखिरी शेर मैं समाप्त करता हूँ समाप्त कर ले इरशाद हाजिर करता हूँ हम सभी पे लाजिम है भेजना दुरूद पर हम सभी पे लाजिम है भेजना दुरूद पर जब किसी जुबान पर भी
जब किसी जुबान पर भी नाम मुस्तफा अर्श के बुलंदी।